ओके सो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर आठ ओवरहेड्स एलोकेशन अपोर्शनमेंट डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन ये चैप्टर नंबर आठ है आपका सेवन्थ uh, चैप्टर में हमने ओवरहेड्स की क्लासिफिकेशन देखी थी कि कितने टाइप के ओवरहेड होते हैं किस किस प्रकार से आप उनको बांट सकते हो ठीक है नेचर uh, के बेसिस पे या और दूसरे बेसिस पे आज हम मेन अपना ओवरहेड से रिलेटेड चैप्टर कर रहे हैं जिसमें हम एलोकेशन अपोर्शनमेंट और एब्जॉर्बन के बारे में पढ़ेंगे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलोकेशन से एलोकेशन का मतलब क्या होता है देखो किसी भी खर्चे को एलोकेट करने का मतलब होता है पूरे के पूरे खर्चे को हंड्रेड परसेंट खर्चे को किसी एक कोस्ट सेंटर या आ, कोस्ट यूनिट इनके ऊपर आप एलोकेट कर देते हो ठीक है इनके ऊपर आप पूरा मतलब इन्हीं पे बांट देते हो इन्हीं की कोस्ट में जोड़ देते हो ठीक है इसको हम कहते हैं एलोकेट करना सो कोस्ट सेंटर आपका कुछ भी हो सकता है कोई जॉब कोई प्रोसेस कोई डिपार्टमेंट कोस्ट यूनिट होती है आपकी आ, जैसे जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो सो so, कुछ भी हो सकती है कोस्ट यूनिट जैसे आपका आ, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो के जी में या किस किसे भी करके वो आपके कोस्ट यूनिट हो सकती है ठीक है पर के जी पर टन वगैरह वगैरह सो so, कोस्ट सेंटर किसी एक कोस्ट सेंटर पे जब आप पूरी कोस्ट को एलोकेट कर सकते हो या उस पूरी कोस्ट को उस कोस सेंटर से रिलेट कर सकते हो उस पे डाल सकते हो उसको हम कहते हैं एलोकेशन करना दूसरी चीज आती है अपोर्शनमेंट अपोर्शन मेंट का मतलब होता है बांटना ठीक है जब आप पूरे के पूरे खर्चे को किसी एक कोस्ट सेंटर या किसी एक कोस्ट यूनिट के ऊपर एलोकेट नहीं कर पाते क्योंकि वो खर्चा कई सारे कोस्ट सेंटर से संबंधित है कई सारे कोस्ट सेंटरों के बीच में बटा हुआ है तो हम उस खर्चे को एलोकेट नहीं करते हम उस खर्चे को अपोर्शन करते यानी उस खर्चे को बांटते हैं तो किसी बेसिस पे किसी प्रपोर्शन में किसी रेशो में ठीक है हम उस खर्चे को अलग अलग को सेंटर्स में बांट देते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है आपके कोई भी फैक्ट्री होती है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं ठीक है मेन जो आपके डिपार्टमेंट होते हैं वो होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स जो कई हो सकते हैं एक से ज्यादा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है आपका आप एक कई सारे प्रोडक्ट बना सकते हो एक ही फैक्ट्री में या हो सकता है एक प्रोडक्ट के अलग अलग पार्ट अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बनते हो ठीक है इसके अलावा कुछ सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को जैसे रिपेयर रिपेयर डिपार्टमेंट एक सर्विस डिपार्टमेंट है क्योंकि वो रिपेयर की सर्विस प्रोवाइड कराता है सभी डिपार्टमेंट्स को ठीक है तो ये दो आपके मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी फैक्ट्री में अब जो इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिसिटी आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं मान लो आपके तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं तीन अलग अलग पार्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट का और आपके पास दो सर्विस डिपार्टमेंट्स है ये पांचों डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ठीक है तो ये अलग अलग कोस सेंटर है हर डिपार्टमेंट अपने आप में एक कोस सेंटर है है? हर एक हर एक डिपार्टमेंट की लागत निकाली जाती है हर एक डिपार्टमेंट की कोस्ट निकाली जाती है कि इस डिपार्टमेंट में कितनी कोस्ट आ रही है इस डिपार्टमेंट में टोटल कोस्ट कितनी आ रही है सो so, इलेक्ट्रिसिटी जो है क्योंकि पांचों डिपार्टमेंट यूज करते हैं तो हम इस इलेक्ट्रिसिटी के पूरे के पूरे खर्चे को अगर दस का बिल आया है तो उस दस को किसी एक कोस्ट सेंटर स... के ऊपर एलोकेट नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा का पूरा किसी एक कोस सेंटर से रिलेटेड नहीं है बल्कि पांचों जो डिपार्टमेंट्स है वो इसे आपस में बांट रहे हैं तो उस केस में हम इस खर्चे को करेंगे अपोर्शन यानी हम उस खर्चे को बांट देंगे किसी प्रपोर्शन में ठीक है अब इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आप ऐसे बांट सकते हो भी किस डिपार्टमेंट की मीटर की रीडिंग ले लो कि किस डिपार्टमेंट की मीटर, मीटर की रीडिंग कितनी है और उसके हिसाब से इस दस हजार को हर एक डिपार्टमेंट पे अपोर्शन कर दो बांट दो ठीक है इसको हम कहते हैं अपोर्शनमेंट तीसरी जो चीज आती है आपकी एक और चीज होती है आपकी जिसको हम बोलते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन ओवरहेड हेड एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जिस भी कोस्ट सेंटर के ऊपर आपने आपकी जो भी ओवरहेड है उसको अपोर्शन किया है उसको बांटा है उस कोस्ट सेंटर में बनने वाला जो भी प्रोडक्ट है जो भी उस कोस्ट सेंटर का जो भी उस कोस्ट सेंटर में काम होता है जो भी प्रोडक्ट है उसकी कोस्ट के वो जो प्रोडक्ट है वो उस कोस्ट को या उस ओवरहेड को एब्जॉर्ब कर लेता है एक एग्जांपल देती हूँ सिंपल सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए ठीक है इसके अंदर मान लीजिए आपका साइकिल के टायर बनते हैं ठीक है ये टायर बनते हैं इस ए डिपार्टमेंट में बी डिपार्टमेंट में मान लो हैंडल बनता है ठीक है सी डिपार्टमेंट में कुछ और बनता है और ये सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस की एक रिपेयर की सर्विस प्रोवाइड कराता है दूसरा कोई दूसरी ठीक है अब ये दस हजार इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है सबसे पहले आप करोगे अपोर्शनमेंट मतलब इसको अलग अलग कोस्ट सेंटर में बांट दोगे तो हमने कुछ मान लीजिए मीटर की रीडिंग ले ली पांचों डिपार्टमेंट की उसके बेसिस पे कुछ इसकी कॉस्ट हो गई कुछ इसकी कुछ इसकी इस तरह से सारे डिपार्टमेंट की तो मान लीजिए एक डिपार्टमेंट के हिस्से में दो का बिल आया ठीक है ये हो गई अपोर्शनमेंट अब का मतलब होता है ए डिपार्टमेंट में जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उस प्रोडक्ट की यूनिट्स इस कोस्ट को एब्जॉर्ब कर लेंगी यानी उस प्रोडक्ट की कोस्ट में ये जो ये जो कोस्ट इस डिपार्टमेंट के हिस्से में आई है इस ये उन प्रोडक्ट की लागत में शामिल हो जाएगा ठीक है तो किसी बेसिस पे क्योंकि पर यूनिट हमें ऐड करनी होती है किस प्रोडक्ट की कितनी आएगी तो किसी बेसिस पे हम इस कोस्ट को जो हमने इस डिपार्टमेंट पे अपोर्शन किया है उसको वो उस डिपार्टमेंट में बनने वाला प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है ठीक है मतलब उसकी अपनी लागत में इसको बनाने में जो लागत आई है उसकी अपनी लागत में ये ओवरहेड की कोस्ट ऐड हो जाती है इसे हम कहते हैं एब्जॉर्बन एक और इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कराते हैं इसीलिए सर्विस डिपार्ट एक बार तो आप जो भी आपका ओवरहेड है उसके खर्चे को अपोर्शन करोगे मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और सर्विस डिपार्टमेंट में बांटोगे लेकिन बाद में आप जो सर्विस डिपार्टमेंट की कोस्ट में जो कोस्ट आपने बांटी है ना जितनी भी कोस्ट आएगी टोटल आ, सर्विस डिपार्टमेंट की ओवरहेड वगैरह की वो सारी आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डाल देते हो ठीक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन कर देते हो इस कोस्ट को So, ये होता है आपका एलोकेशन अपोर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन एलोकेशन का मतलब है पूरे के पूरे खर्चे को किसी एक कोस्ट सेंटर या कोस्ट यूनिट पे एलोकेट कर देना अपोर्शनमेंट का मतलब होता है जब कोई ऐसा खर्चा होता है जो अलग अलग कोस्ट सेंटर मतलब सभी कोस्ट सेंटर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं सभी कोस्ट सेंटर से संबंधित है तो हम उसको सभी कोस्ट सेंटर में किसी बेसिस पे बे, किसी प्रपोर्शन में किसी रेशो में बांट देते हैं एब्जॉर्बशन का मतलब होता है किसी भी कोस्ट सेंटर के हिस्से में जितनी वो ओवरहेड की कोस्ट है अपोर्शनमेंट बेसिकली ओवरहेड्स का होता है क्योंकि वो इनडायरेक्ट कोस्ट है और इनडायरेक्ट कोस्ट ही कई सारी चीजों से संबंधित होती है कई सारे डिपार्टमेंट से संबंधित होती है तो जो ओवरहेड उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हिस्से में आया है उस डिपार्टमेंट में बनने वाले प्रोडक्ट उस ओवरहेड की कोस्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं यानी अपनी उनकी कोस्ट में वो ओवरहेड की कोस्ट शामिल हो जाती है ठीक है तो ये हो गया आपका कॉस्ट एलोकेशन कॉस्ट अपोर्शनमेंट और ओवरहेड एब्जॉर्बन ओके इसके बाद हम करने वाले हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है ठीक है ओके कोई भी फैक्ट्री पीमाइस होती है जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फैक्ट्री की बात करें मैं आप एक होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और एक होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स अब जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो क्योंकि आपका जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके अलग अलग हिस्से हो तो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बन रहे हो ठीक है और जैसे मान लीजिए अगर प्रोसेस भी है वो चिप्स बनाने वाला एग्जाम्पल जो हमने किया था कि आलू बाहर से आते हैं एक जगह पे उनको धोया जाता है एक जगह पे उनको छीला जाता है एक जगह पे उनको काटा जाता है ठीक है एक जगह पे उनको जो है तला जाता है एक जगह पे उन पर मसाला डाला जाता है एक जगह पे उनकी पैकिंग होती है तो ये कितने सारे आपके डिपार्टमेंट्स हो गए आपके फैक्ट्री के अंदर ठीक है इसी तरीके से और भी कोई दूसरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो उसकी क्या होता है अलग अलग जो प्रोसेस का अलग अलग जो हिस्सा है वो कहीं कहीं किसी किसी डिपार्टमेंट में हो रहा होता है ठीक है सो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ओके okay. लाओ कुछ डिपार्टमेंट हो सकता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन के काम में लगे हूं जैसे यहां पे हमने ये चिप्स वाला किया ये प्रोडक्शन के काम में लगे हैं कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना जैसे रिपेयर्स के डिपार्टमेंट की मैंने बात की थी रिपेयर एंड मेंटेनेंस इसका काम होता है बाकी डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कराना ठीक है रिपेयर की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं ये. तो दो टाइप के आपके डिपार्टमेंट होते हैं सो so, डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब यह होता है कि ये जितने भी अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट है मेनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ऐसे लगाऊंगी क्योंकि काफी सारे हो सकते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट्स क्योंकि ये भी काफी सारे हो सकते हैं इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोस्ट को ओवरहेड को ठीक है हम ओवरहेड पढ़ रहे हैं, तो ओवरहेड्स को किसी बेसिस पे एलोकेट करना या अपोर्शन करना इसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब डिपार्टमेंट के बेसिस पे ओवरहेड को बांटना अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर ओवरहेड्स को बांटना उनका डिवीजन करना इसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन uh, अब डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर आपकी दो चीजें हो सकती हैं या तो आप एलोकेट कर सकते हो खर्चे को ओवरहेड्स को या उनको अपोर्शन कर सकते हो ठीक है डिपार्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो उस केस में जैसे मान लीजिए एलोकेशन कोई खर्चा हमें एलोकेट करना है ठीक है अब एक चीज देखना सेल्स मैनेजर की सैलरी ठीक है ये ओवरहेड है क्योंकि किसी एक यूनिट जो आप जो भी यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उससे संबंधित नहीं है ठीक है ये इनडायरेक्ट खर्चा है लेकिन ये एक डिपार्टमेंट से संबंधित है जिसे हम कहते हैं सेल्स डिपार्टमेंट तो क्या हम सेल्स मैनेजर की पूरी की पूरी सैलरी को 100% परसेंट सैलरी को ये डायरेक्ट खर्चा नहीं है ये इनडायरेक्ट ही है ये ओवर है लेकिन क्या इसे 100 परसेंट हम इस डिपार्टमेंट से लिंक कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं क्योंकि सेल्स मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट से ही संबंधित है तो इसीलिए हम सेल्स मैनेजर की सैलरी को सेल्स डिपार्टमेंट में एलोकेट कर सकते हैं तो ओवरहेड को हम दो तरह से ट्रीट कर सकते या तो ओवरहेड को एलोकेट करो ओवरहेड का मतलब यही रहेगा कि आप जो प्रोडक्शन की यूनिट है डायरेक्टली उससे लिंक नहीं कर सकते लेकिन किसी बेसिस पे आप उसके ऊपर उसको चार्ज कर सकते हो ठीक है तो जैसे सेल्स मैनेजर की जो भी सैलरी दे रहे हो मान लीजिए मैं बनाती हूँ मान लीजिए मैं पेन बनाती हूँ ठीक है पेन बनाने का काम है मेरा अब सेल्स मैनेजर की सैलरी को मैं इस पेन की कोस्ट जो भी इसको बनाने में लागत आ रही है उससे डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकती क्योंकि सेल्स मैनेजर अपने हाथ से पेन नहीं बना रहा है ठीक है ना ही सेल्स मैनेजर कोई की जो सैलरी है ना ही वो मटेरियल पे किया गया खर्चा है जो पेन का हिस्सा बनेगा नहीं इससे इसको डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते इसलिए ये ओवरहेड है ठीक है लेकिन इस ओवरहेड को भी हम सेल्स डिपार्टमेंट पे 100 परसेंट एलोकेट कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा खर्चा सेल्स डिपार्टमेंट से संबंधित है ठीक है ऐसे ही दूसरे खर्चे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से संबंधित है ठीक है तो हम उस डिपार्टमेंट में एलोकेट कर सकते हैं उस ओवरहेड को हम ओवरहेड की बात कर रहे हैं यहाँ पे दूसरा है अपोर्शनमेंट वही चीज है अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड ओवरहेड को आप अपोर्शनमेंट भी कर सकते हो जैसे मान लीजिए रेंट है बिल्डिंग का रेंट फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है उसका रेंट है अब ये एक फैक्ट्री है ठीक है इस फैक्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट है एक डिपार्टमेंट यहां है कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहां है एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहां है यहां एक सर्विस डिपार्टमेंट है यहां एक सर्विस डिपार्टमेंट है ठीक है सो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और ये सर्विस डिपार्टमेंट है अब इस पूरी बिल्डिंग का रेंट आप देते हो ठीक है तो क्या इस पूरी बिल्डिंग का रेंट अच्छा ये जो रेंट है ये आप इस फैक्ट्री की बिल्डिंग पे तो एलोकेट कर सकते हो पूरी बिल्डिंग पे लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उन पर आप एलोकेट नहीं कर सकते क्योंकि एलोकेट का मतलब हंड्रेड परसेंट तो ये पूरा रेंट ना तो इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है ये पूरा रेंट ना इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है ना इसका ना इसका ना इसका इन सबका मिला के है ठीक है तो वहां पे हमें इसको अपोर्श इसको जो है किसी प्रपोर्शन के अंदर इसकी अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी यानी इसको बांटना पड़ेगा रेंट जो है वो बटता है आपका आ, फ्लोर एरिया एरिया के किस डिपार्टमेंट ने कितना फ्लोर एरिया कवर कर रखा है मतलब कितनी जगह कितनी स्क्वेयर फीट कितनी स्क्वेयर फीट इस तरीके से जगह ले रखे या फिर इस बिल्डिंग की कैपिटल वैल्यू ठीक है कि इस पूरी बिल्डिंग की वैल्यू इतनी है उसमें से इस इसने जितनी जगह ले रखी है उसकी वैल्यू इतनी है इसने जितनी जगह ले रखी है उसकी वैल्यू इतनी है इस तरीके से आप हर एक के बीच में इसको अपोर्शन कर दोगे तो ओवरहेड दोनों है पर ओवरहेड को यहां आप एलोकेट कर सकते हो डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात करें हम ध्यान रखना हंड्रेड खर्चे को आप डायरेक्टली प्रोडक्ट प्रोडक्ट से लिंक नहीं कर सकते लेकिन आप इसे डिपार्टमेंटलाइजेशन जब हम करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट की में जो है कोस्ट बांटना वहां आप ओवरहेड को एक किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिसमें काफी सारे काम होते हैं जिसमें काफी सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं उसके ऊपर एलोकेट कर सकते हो और कई बार आपको उसे अपोर्शन करना पड़ेगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्योंकि ये पूरा का पूरा 100 परसेंट खर्चा किसी एक डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है ठीक है ओके अब हम आ जाते हैं सेकंड थर्ड चीज जो हम देख रहे हैं यहां पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड क्या होता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड क्या होता है हमने अभी अभी किया कि दो टाइप के डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं किसी भी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स जिनका काम होता है प्रोडक्शन करना और सर्विस डिपार्टमेंट्स जिनका काम होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को या दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करना ठीक है तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो हमें पता है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगी सर्विस डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं जैसे रिपेयर आई थिंक सेल्स डिपार्टमेंट भी आपका सर्विस में आता है सो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ठीक है अब जब हम ओवरहेड uh, का अपोर्शनमेंट करते हैं बांटते हैं तो सबसे पहले आप जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है ये इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है इसको आपको अपोर्शन करना है ठीक है सो so, अपोर्शन करोगे आप इसका जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उन सब में और सर्विस डिपार्टमेंट है उन सब में मान लो मीटर रीडिंग के हिसाब से भाई कौन से डिपार्टमेंट है कितने मीटर रीडिंग आ रही है तो उसके हिसाब से हमने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा उस डिपार्टमेंट में बांट दिया सभी में बांट दिया अब इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ठीक है तो सेकेंडरी क्या होता है देखो कोई भी जो सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं ना ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को या दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को मान लीजिए किसी फर्म में दो सर्विस डिपार्टमेंट है ई uh, e और एफ और चार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए बी सी डी ठीक है तो ये जो ई e और एफ सर्विस डिपार्टमेंट है जो भी सर्विस ये प्रोवाइड कराते हैं ठीक है, है? मान लो मान लीजिए एक कैंटीन है या दूसरा रिपेयर रिपेयर की सर्विस है ठीक है ये सर्विस डिपार्टमेंट इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी सर्विस प्रोवाइड कराता है और दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी प्रोवाइड कराता है और ये सर्विस डिपार्टमेंट भी इनको सर्विस प्रोवाइड कराता है सेम उसी तरीके से ठीक है क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फाइनली सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो जो कॉस्ट इनके हिस्से में यहां गई है ये इनको सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए गई है ठीक है इनको सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए इनकी ये कॉस्ट इनकर हुई है तो हम क्या करते हैं सर्विस डिपार्टमेंट की जो भी कॉस्ट आती है उसे हम वापस ये जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं सबके अंदर किसी बेसिस पे बांट देते हैं इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड में हम जो अपना ओवरहेड का खर्चा है उसे हम सभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सर्विस डिपार्टमेंट्स में किसी बेसिस पे बांट देते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो जो आ, ओवरहेड ओवरहेड की कोस्ट आएगी उसको हम वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं किसी बेसिस पर ही इसे हम कहते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ओके अब बढ़ते हैं आगे अब हम करेंगे बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट फैक्ट्री ओवरहेड्स फैक्ट्री के ओवरहेड्स को आप कैसे अपोर्शन करते हो ठीक है और इसमें हम पढ़ेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हम पहले सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर जब हम कोस्ट को फर्स्ट टाइम पे ओवरहेड्स को ओवरहेड्स को फर्स्ट टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ठीक है किस किस बेसिस पे आप अपोर्शन कर सकते हो जो पहला बेसिस है वो है आपका डिपार्टमेंट uh, की वैल्यू ठीक है डिपार्टमेंटल वैल्यू डिपार्टमेंटल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट जैसे मान लीजिए रेंट का खर्चा है ठीक है तो रेंट का खर्चा आप कैसे बांट सकते हो कि डिपार्टमेंट जो पूरी बिल्डिंग का रेंट आप देते हो ठीक है अब उस बिल्डिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं उस पूरी बिल्डिंग की एक वैल्यू होगी मान लो लाख है तो हम ये देख सकते हैं कि उस बिल्डिंग में जो अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं उनकी उस पचास लाख में कितनी कितनी वैल्यू आती है किसी की पांच लाख किसी की बीस लाख किसी की पचास पंद्रह लाख ठीक है उस वैल्यू के बेसिस पे हम उस ओवरहेड को सभी डिपार्टमेंट में बांट देंगे इसको हम बोलते हैं परसेंटेज और प्रपोर्शन रिलेटिव टू डिपार्टमेंटल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग और प्लांट ठीक है ओके okay, नाउ इसमें जो जो खर्चे वैल्यू के हिसाब से बढ़ते हैं वो होते हैं आपके रेंट रेंट को आप फ्लोर एरिया के हिसाब से भी बांट सकते हो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वैल्यू के हिसाब से ही बटेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन लगती ही वैल्यू के ऊपर है तो अगर पूरी बिल्डिंग की वैल्यू है पचास लाख ठीक है जिसमें से एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो इसका मान लो पचास लाख ,00 का मान लीजिए दस परसेंट की वैल्यू रखता है कोई एक डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट ठीक है तो पचास लाख ,00 का दस परसेंट आपका हो जाएगा मान लो पांच लाख ठीक है तो इस डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट की वैल्यू हो गई पांच लाख तो डेप्रिसिएशन इस पांच लाख के हिसाब से टोटल डेप्रिसिएशन आ गई मान लो दस हजार तो ये डेप्रिसिएशन ये पांच ऐसे ही दूसरे का बी डिपार्टमेंट है उसकी हो गई बीस सी डिपार्टमेंट है उसकी हो गई Hmm, कुछ बीमार लो पंद्रह तो ये जो एक रेशो सा बन जाएगा इसमें हम इस डेप्रिसिएशन के खर्चे को हर एक डिपार्टमेंट में बांट देंगे इसे हम कहते हैं अपोर्शनमेंट ठीक है तो डेप्रिसिएशन का खर्चा भी इस पर बटेगा तीसरा आपका अगर आपने इंश्योरेंस वगैरह कुछ ले रखा है तो इंश्योरेंस भी बिल्डिंग की वैल्यू पे ही लिया जाता है तो इंश्योरेंस वैल्यू के ऊपर वैल्यू के रेशो में बटेगा ठीक है कि सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी उस बिल्डिंग की वैल्यू में कितना कितना परसेंटेज हिस्सा है उसके रेशो में आप इंश्योरेंस का जो भी आपका है आ, आ, कोस्ट है ओवरहेड है उसको आप बांट दोगे ठीक है फिर आता है एक लास्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि इसके ऊपर एक डाउट है आप इसको कोस्ट में शामिल करोगे या नहीं करोगे अगर आप इसे कोस्ट में शामिल करते हो तो फिर आप इसे बिल्डिंग की वैल्यू के ऊपर बांटोगे क्यों क्योंकि ये कैपिटल पे एक इंटरेस्ट है पूंजी पे इंटरेस्ट है ये पूंजी लगी कहाँ है बिल्डिंग को खरीदने में बिल्डिंग को खरीदने में ये जो जो बिल्डिंग की वैल्यू है ये वैल्यू इस पूंजी से ही लगाई गई है इस पूंजी से ही चुकाई गई है ठीक है इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वैल्यू ऑफ बिल्डिंग के ऊपर ही लग, के रेशो में ही बढ़ता है सेकेंड बेसिस आपका फ्लोर एरिया फ्लोर एरिया मतलब स्क्वायर फीट कितना स्क्वायर फीट किस डिपार्टमेंट ने कवर कर रखा है किसी भी बिल्डिंग का ठीक है। फ्लोर एरिया ऑफ डिपार्टमेंटल बिल्डिंग्स अब इस बेसिस पे जो जो आपके खर्चे बढ़ते हैं वो होते हैं जैसे हो गया आपका रेंट बढ़ सकता है इस बेसिस पे ठीक है आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन से बेसिस पे आप बांटोगे सो so, रेंट हो सकता है लाइटिंग का खर्चा हो सकता है जो फ्लोर एरिया के बेसिस पे बढ़ सकता है इसके अलावा हीटिंग का खर्चा बढ़ सकता है ठीक है फ्लोर एरिया के बेसिस पे आ, ये कुछ खर्चे हैं जो फ्लोर एरिया के बेसिस पे बढ़ते हैं मतलब बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि ये पूरी फैक्ट्री की बिल्डिंग है इस बिल्डिंग में इतना हिस्सा इस डिपार्टमेंट का है इतना हिस्सा इस डिपार्टमेंट का है इतना, है इतना इसका है इतना इसका है ये कितना स्क्वायर फीट है ये कितना है ये कितना है ये कितना है ठीक है फिर उस रेशो में हम देखेंगे रेंट भाई इस पूरी बिल्डिंग का मैं रेंट देती हूं तो इस पूरी बिल्डिंग का इतना हिस्सा इस डिपार्टमेंट ने कवर कर रखा है तो इतने हिस्से के बराबर का रेंट इस इस डिपार्टमेंट का है इतने का इस डिपार्टमेंट का ऐसे ही लाइटिंग भाई सारे पूरी बिल्डिंग में लाइटिंग की सुविधा है तो हम लाइटिंग को भी फ्लोर एरा पे बांट सकते हैं कि इसने इतना स्क्वायर फीट हमारी बिल्डिंग का ले रखा है तो पूरी लाइटिंग का जो बिल है वो हम इसने जितना स्क्वायर फीट कवर कर रखा है उसके हिसाब से बांट देंगे ठीक है इस तरीके से आप बांट सकते हो ये वाले खर्चे ना तीसरा आ जाता है डिपार्टमेंट प्रोडक्शन आवर और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आएगी आपकी जिसे हम बोलते हैं मशीन आवर रेट ये आपका चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर मश, है मशीन आवर रेट मशीन आवर रेट का बेसिकली मतलब होता है कितने घंटों के लिए आपकी मशीन चलती है ठीक है कितने इसके अलावा हो सकता है आपका लेबर आवर भी क्योंकि देखो इसका मतलब क्या होता है डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन आवर मतलब किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने घंटे प्रोडक्शन हुआ ठीक है इसके बेसिस पे आप कुछ खर्चे बांट सकते हो जैसे सुपरवाइजर की सैलरी सुपरवाइजर उतनी देर फैक्ट्री में रहेगा उतनी देर जो जिस भी डिपार्टमेंट में वो असाइन है जिस भी डिपार्टमेंट में उसकी ड्यूटी लगी हुई है मान लो ये डिपार्टमेंट में तब तक वहां रहेगा जब तक कि वहां प्रोडक्शन चलता रहेगा ठीक है सो so, सुपरवाइजर की सैलरी को हम जैसे मान लीजिए ये सुपरवाइजर ये तीन डिपार्टमेंट सुपरवाइज कर रहा है ठीक है इस डिपार्टमेंट में आठ घंटे काम हो रहा है इस डिपार्टमेंट में नौ घंटे काम हुआ और इस डिपार्टमेंट में छह घंटे काम हुआ ठीक है तो किस डिपार्टमेंट में कि, जितने घंटे काम हुआ ये सुपरवाइजर उतने घंटे उस डिपार्टमेंट को सुपरवाइज कर रहा था तो इसकी सैलरी को हम उसके उस बेसिस पे इन डिपार्टमेंट्स में बांट सकते हैं ठीक है थीके? कि इतने घंटे इसने इस सुपरवाइजर ने इस डिपार्टमेंट में सुपरवाइज किया तो इस रेशो में इसकी सैलरी इस डिपार्टमेंट से संबंधित है ठीक है अब डिपार्टमेंटल uh, में जितनी देर प्रोडक्शन होगा उतनी देर मशीन चलेगी और उतनी देर ही आपका लेबर मजदूर काम करेगा तो डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन आवर में जब आप खर्चा बांटते हो तो उसे या तो मशीन आवर रेट के हिसाब से बांट सकते हो भाई इतने घंटे मशीन चली उतने ही घंटे प्रोडक्शन होगा जितने घंटे प्रोडक्शन होगा उतने घंटे मशीन चलेगी ठीक है या लेबर आवर के हिसाब से बांट लो भाई इतने घंटे लेबर ने इस डिपार्टमेंट में काम किया ठीक है जितने घंटे प्रोडक्शन होगा उतने घंटे लेबर काम करेगा लेबर जितने घंटे काम करेगा उतने घंटे प्रोडक्शन होगा तो इन दोनों में से किसी भी बेसिस के ऊपर आप इन खर्चों को बांट सकते हो इसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन आवर जो खर्चे इस बेसिस पे बैठते हैं वो है जैसे आपका फैक्ट्री मैनेजमेंट का खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा सुपरविजन का खर्चा रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट का खर्चा ये सब खर्चे ठीक है ओके और मान लीजिए आपका जहां पे आपका ज्यादातर काम मशीनों के द्वारा होता है लेबर के द्वारा इतना काम नहीं होता मशीनों के द्वारा ज्यादातर काम होता है मशीनीकरण का दौर है तो वहां आप मशीन आवर रेट ही इस्तेमाल करोगे ठीक है क्योंकि जितने घंटे मशीन चल रही है इसका मतलब उतने घंटे प्रोडक्शन हो रहा है और मान लीजिए कोई और खर्चा आप बांटने के लिए आपके पास कोई दूसरा बेसिस आपको दे नहीं रखा तो वहां पर भी आप इस वाले बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हो मशीन आवर रेट का ठीक है मशीन आवर रेट के हिसाब से आप उसको बांट सकते हो अगर कोई और अल्टरनेटिव आपको नहीं दे रखा है फोर्थ जो है वो है नंबर ऑफ एम्प्लॉज इन ईच डिपार्टमेंट कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आप एम्प्लॉज किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप बांट सकते हो हर एक डिपार्टमेंट में अपोर्शन कर सकते हो ठीक है जैसे कैंटीन एक्सपेंसेस ठीक है मान लीजिए आपका कैंटीन की कुछ कॉस्ट आती है हजार रुपये आती है मान लो आपकी ठीक है अब कैंटीन की कॉस्ट को किस डिपार्टमेंट के ऊपर कितने उसमें बांटा जाए तो हम क्या दिखेंगे कैंटीन में क्या होता है बेसिकली मजदूरों को खाना दिया जाता है एम्प्लॉइज खाना खाते हैं वहां पे ठीक है एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो हम क्या देखेंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं और इस खर्चे को उस हिसाब से बांट देंगे मान लो अपने पास तीन डिपार्टमेंट है ए बी और सी इसमें दस एम्प्लॉई काम करते हैं इसमें बीस एम्प्लॉ काम करते हैं इसमें पांच ही एम्प्लॉई काम करते हैं तो इस डिपार्टमेंट से सिर्फ पांच एम्प्लॉई कैंटीन में जाके खाना खाएंगे इससे बीस जाके खाना खाएंगे इससे दस जाके खाना खाएंगे तो ये जो हजार रुपये का जो पूरा आपका खर्चा आ रहा है वो इसे इस रेशो में आप बांट सकते हो तीनों डिपार्टमेंट के अंदर इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे जब आप बांटते हो डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हो कौन कौन से खर्चे बढ़ सकते हैं वेलफेयर के एक्सपेंस टाइम कीपर के एक्सपेंस कॉमन रूम के एक्सपेंस कॉमन रूम भी आपके जितने एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट में हो उतने ही वहां से आके कॉमन रूम का इस्तेमाल करेंगे डिस्पेंसरी के एक्सपेंस वगैरह वगैरह जो आपके एम्प्लॉयीज से डायरेक्टली लिंक है मतलब जो सर्विस आपका एम्प्लॉय यूज करता है ठीक है So, ये आपके चार तरीके हो गए एक पांचवा तरीका भी है जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल एस्टिमेट। टेक्निकल एस्टिमेट आपका दो टाइप का हो सकता है दो टाइप के खर्चे आपके टेक्निकल एस्टिमेट में निकलते हैं ठीक है पहला होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आपका टेक्निकल मतलब जो टेक्निकल uh, जैसे बल्ब uh, कितने वोट का है नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं इस तरीके की जो चीजों पे बढ़ते हैं ठीक uh, uh, है जैसे मीटर की रीडिंग जो टेक्निकल चीजें हैं उसके बेसिस पे बढ़ते हैं ठीक है जैसे मीटर की रीडिंग पे आपने बांट दिया इलेक्ट्रिसिटी को हर एक डिपार्टमेंट से मीटर की रीडिंग ली और उस बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल सब में बट दिया भाई इसकी रीडिंग इतनी आई है इसकी रीडिंग इतनी इसकी रीडिंग इतनी तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का टोटल बिल है ये इस हिसाब ये इस प्रपोर्शन में इसमें गया इस प्रपोर्शन में इसमें इस प्रपोर्शन में इसमें इस ठीक है इसके अलावा लाइट बल्ब नंबर ऑफ बल्ब कि किस डिपार्टमेंट में कितने बल्ब जल रहे हैं उसके हिसाब से उनके अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल बांट दिया या वाट कितने किलो वाट की इलेक्ट्रिसिटी हर एक डिपार्टमेंट ने इस्तेमाल करी है तो ये जो टेक्निकल टर्म्स आ जाती हैं जब इस बेसिस पे आप किसी खर्चे को बांटते हो तो उसको हम कहते हैं टेक्निकल एस्टिमेट ये दो चीजों के लिए यूज होता है याद रखना इलेक्ट्रिसिटी के लिए और सेकेंड एयर गैस और पानी के खर्चों के लिए ठीक है अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये टेक्निकल एस्टिमेट आपको नहीं दे रखा है क्वेश्चन में टेक्निकल एस्टिमेट आपके पास कुछ नहीं है तो वहां पे फिर हमने जो ऊपर किया था आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लोर एरिया के बेसिस पे आप बांट सकते हो ठीक है या डिपार्टमेंट की की वैल्यू के बेसिस पे अगर कुछ और नहीं दे रखा अगर ये ये टेक्निकल एस्टीमेट नहीं दे रखा है तो दे रखा है तो आप इस एस्टीमेट में ही बांटोगे ना एयर गैस और जो वाटर के एक्सपेंसेस हैं वो टेक्निकल एस्टीमेट में बढ़ सकते हैं क्योंकि आपके पास पानी का मीटर लगा होता है गैस का मीटर लगा होता है तो ये भी आप मीटर रीडिंग के बेसिस पे बांट सकते हो ठीक है तो ये टेक्निकल एस्टिमेट हो गया आपका तो इन बेसिस पे ये कुछ पांच बेसिस है जिनके बेसिस पे आप ओवरहेड्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटोगे अब अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो वहां पे आपको एक टेबल बनी हुई दिखेगी जिसमें आपको सारे ओवरहेड्स का नाम दिखा हुआ है और उसके आगे उनका बेसिस दिया हुआ है कि किस बेसिस पे आप किस ओवरहेड को बांटने वाले हो और एक अल्टरनेटिव भी दिया हुआ है कि आप मान लीजिए वो बेसिस ना हो आपको दे रखा हो क्वेश्चन में तो किस दूसरे बेसिस पे आप उस खर्चे को बांट सकते हो तो हम एक बार सारे खर्चे देख लेते हैं सोलह आपके ओवरहेड यहां पे दिए हुए हैं ठीक है बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट है और ये यहां पे अल्टरनेटिव है कोई और अल्टरनेटिव के बेसिस पे आप बांट सकते हो तो पहला ओवरहेड आपको दे रखा है कंज्यूमेबल स्टोर्स कंज्यूमेबल स्टोर्स आपके मटेरियल के अलावा वो सारे गुड्स होते हैं जो आप प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हो ठीक है जैसे ऑयल ग्रीस वगैरह या फिर अगर मान लीजिए आप ऑफिस के अंदर आ, स्टेशनरी यूज़ करते हो पैकिंग का मटेरियल यूज करते हो इसको हम बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स जो मटेरियल के अलावा आप कंज्यूम करते हो ठीक कंज्यूमेबल स्टोर्स को हम डायरेक्ट एलोकेट कर सकते हैं जितने भी आपके म, आ, मतलब देखो जैसे मान लीजिए मेरे पास ऑयल के पांच वो रखे हुए थे डब्बे टिन लगा लो ठीक है और मेरे पास पांच ही डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट में एक एक डब्बा गया हुआ है ऑयल का तो डायरेक्टली आप एलोकेट कर सकते हो कि एक डब्बे की कॉस्ट इस डिपार्टमेंट की है एक डब्बे की कोस्ट इस डिपार्टमेंट की है एक डब्बे की कॉस्ट इस डिपार्टमेंट की है तो इसको आप डायरेक्ट एलोकेट कर सकते हो कंज्यूमेबल स्टोर्स को ठीक है मान लीजिए मेरे पास स्टेशनरी में मेरे पास ए फोर शीट्स जो होती है ना प्रिंटर की जो शीट्स होती हैं उसके मान लो पैकेट रखे हुए थे और मुझे मान लो अब ये पैकेट जब जाएंगे किसी डिपार्टमेंट में तो नंबर में जाएंगे भी किसी में पांच गए किसी में छह गए किसी में एक गया तो डायरेक्ट एलोकेट कर सकते हैं जिसमें एक एक ही गया तो एक की कॉस्ट हमें पता है कितनी कितनी होती है तो उसमें एक की कॉस्ट शामिल हो जाएगी ठीक है तो हम इसको डायरेक्ट एलोकेट कर सकते हैं सेकेंड आपको बोला जो दे रखा है यहां पर वो है मेटीरियल हैंडलिंग के चार्जेस कि जो मटेरियल आपके पास रखा है उसको हैंडल करना यानी उसको संभाल के रखना उसके चार्जेस ये हम लेते हैं बांटते हैं वेट ऑफ मटेरियल के बेसिस पे ठीक है सो मटेरियल हैंडलिंग मतलब मान लीजिए हमारे पास रखे हुए हैं जो भी जितना भी मटेरियल रखा है मान लो पचास किलो कोई मटेरियल रखा हुआ है और उसके चार्जेस उसको हम हैंडल करें उसको हम सम, उसकी देख रेख कर रहे हैं ठीक है थीके? तो वेट ऑफ मटेरियल के हिसाब से अलग अलग उसमें बांट सकते हैं अब डिपार्टमेंट में बांटना है तो हम कैसे बांटेंगे कि मान लो जो तो, मान लीजिए टोटल पचास किलो मटेरियल मे, था जिसको जो हम ध्यान रख रहे थे ठीक है अब हमारे पास पांच डिपार्टमेंट है और पांचों डिपार्टमेंट में दस दस किलो मटेरियल आपने भेज दिया ठीक है तो इस जो जब तक आपने इसको हैंडल करके रखा जब तक आपने इसका ध्यान रखा उसकी कॉस्ट को आप इस दस 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 के रेशो में बराबर बराबर सारे डिपार्टमेंट्स में बांट सकते हो तो जो मटेरियल हैंडलिंग के चार्जेस होते हैं उसको जो भी आपका मटेरियल उसके वेट पे के बेसिस पे बांटा जाता है थर्ड है आपका स्टोर सर्विस या स्टोर कीपिंग की एक्सपेंसेस स्टोर कीपिंग या स्टोर सर्विस के एक्सपेंसेस को हम बांटते हैं वैल्यू ऑफ स्टोर्स इशूड ठीक है उसके बाद आ जाता है हमारा रेंट एंड रेट्स रेंट को जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था वैसे तो ये फ्लोर एरिया के बेसिस पे बढ़ता है कि कितना फ्लोर एरिया किस डिपार्टमेंट ने कवर कर रखा है पर आप इसे अगर मान लीजिए फ्लोर एरिया नहीं है तो आप बिल्डिंग की जो कैपिटल वैल्यू है उसके बेसिस पे भी बांट सकते हो ठीक है उसके बाद आ जाता है अपना इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पावर जो हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी अगर इलेक्ट्रिक पावर लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक पावर को हम टेक्निकल एस्टिमेट के बेसिस पे बांट सकते हैं जो हमने टेक्निकल एस्टिमेट्स का जिक्र किया था उनके बेसिस पे बांट सकते हैं ठीक है या फिर हम इसको फ्लोर स्पेस के बेसिस पे भी बांट सकते हैं ये भी हमने बात की थी ठीक है या आप इसको लाइट पॉइंट कितने हैं कितने लाइट पॉइंट आपने दे रखे हैं किस डिपार्टमेंट को उसके बेसिस पे बांट सकते हो अगर ये नहीं है तो टेक्निकल एस्टिमेट अगर नहीं है मीटर की मीटर की रीडिंग नहीं है तो ठीक है या फिर आप इनको बांट सकते हो आवर्स यूज्ड मतलब कितने घंटे किसने बिजली यूज की उसके बेसिस पे भी आप इसको बांट सकते हो ठीक है उसके बाद हम आ जाते हैं ओके ये इलेक्ट्रिक लाइट है सॉरी लाइट लाइट में और पावर में थोड़ा सा फर्क है लाइट मतलब कितने बल्ब आपने जला रखे हैं उस हिसाब से इसको फ्लोर एरिया में बांट सकते हो लाइट को क्योंकि हमने कितने फ्लोर एरिया में कितनी जगह में कितने लाइट बल्ब लगा रखे हैं वहां पे कितनी जो है बल्ब जल रहे हैं उसके हिसाब से आप फ्लोर एरिया में भी बांट सकते हो उसको छठा है आपका इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पावर को हमारे पास दे रखा है आप टेक्निकल एस्टिमेट में इसको बांट सकते हो ठीक है अगर ये नहीं होगा तो हम दूसरे में बांटेंगे फिर हम कैपिटल वाले में भी बांट सकते हैं वैल्यू जो है आपकी बिल्डिंग की उसमें फिर है आपके पास फायर इंश्योरेंस इंश्योरेंस वाला आई थिंक हमने ऊपर किया था इंश्योरेंस को हम किस में बांटेंगे इंश्योरेंस को ऑब्वियसली बात है आप वैल्यू ऑफ प्लांट में बांटोगे वैल्यू में बांटोगे वैल्यू ऑफ बिल्डिंग या वैल्यू ऑफ प्लांट ठीक है इसके बाद आ जाता है प्लांट रिपेयर सो प्लांट रिपेयर्स को आप एक्चुअल में एलोकेट कर सकते हो कि कहां पे कितनी रिपेयर हुई है ठीक है अगर एक्चुअल नहीं है तो आप जो प्लांट की वैल्यू है उसके बेसिस पे बांट सकते हो ओके और फायर इंश्योरेंस को आप इसमें जितना रिस्क था उसके बेसिस पे भी बांट सकते हो फिर नाइन्थ आ जाता है हमारा डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली बात है वैल्यू पे जाती है ठीक है बिल्डिंग की जो भी कैपिटल वैल्यू है उसके ऊपर लगेगी उसके बाद आता है जो वेलफेयर की एक्सपेंस है एम्प्लॉय से रिलेटेड जैसे कैंटीन वगैरह का खर्चा ये सब तो ये जाएगा आपका नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पे अगर आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल नहीं है तो जितने वेजेस आप उनको पेड कर रहे हो उसके बेसिस पे भी बांट सकते हो क्रैच का एक्सपेंस आएगा क्रैच होती है जो फीमेल एम्प्लॉयज होती हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो काम पे अपने जिनकी मजबूरी मतलब वो काम पे लेके आ सकती है तो ये क्रैच जो होती है वो उनके बच्चों को संभालते हैं मतलब वहां पे उनके खेलने के लिए थोड़ी जगह बनी होती है कोई होता है जो उनके बच्चों को तब तक संभालता है जब तक कि वो काम कर रही है तो उसके जो एक्सपेंस है तो क्योंकि महिलाएं लेके आती हैं तो जितनी नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स हैं उसके बेसिस पे आप इसको बांट सकते हो ठीक है उसके बाद आएगा ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस एक्सपेंस है वो आप बांट सकते हो टन पर किलोमीटर देखो ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सपेंस मतलब आप सामान अपना माल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ट्रक के थ्रू जो कि सफर करेगा किलोमीटर तक ठीक है तो इस खर्चे को आप बांट सकते हो कि कितना टन माल कितने किलोमीटर आपने भेजा तो टन पर किलोमीटर के हिसाब से ठीक है या फिर आप इसको अगर ये नहीं है टन पर किलोमीटर नहीं है तो आप इसको नंबर ऑफ पैकेज जितने पैकेज आपने भेजे हैं उसके हिसाब से बांट सकते हो कि इस डिपार्टमेंट से संबंधित इतने पैकेज थे या आप ट्रक के आवर्स के कि कितने घंटे वो ट्रक जो है वो सड़क पे रहा वो चला उसके हिसाब से या क्रेन आवर्स क्रेन जो आपके सामान को लादती है वो उसने कितने घंटे काम किया उस बेसिस पे भी आप बांट सकते हो ठीक है उसके बाद आ जाता है इंटरनल ट्रांसपोर्ट ये तो है बाहर जो आपने गुड्स को बाहर कहीं भेजते हो इंटरनल ट्रांसपोर्ट होता है आपकी फैक्ट्री में ही सामान एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है ठीक है एक जगह से दूसरी जगह पे सामान जा रहा है तो आप ये वेट के हिसाब से कर सकते हो मटेरियल के कि कितना वेट का मटेरियल किस डिपार्टमेंट में गया एक डिपार्टमेंट में दस किलो मटेरियल आपने ट्रांसपोर्ट किया तो दस, उस उस रेशो में फिर आप वो खर्चा उस डिपार्टमेंट में बांट दोगे ठीक है अगर ये नहीं है तो फिर इसके इसके अलावा आप नंबर ऑफ पैकेज किस डिपार्टमेंट में कितने पैकेज गए ठीक है या जो मटेरियल आपने कंज्यूम किया है जो मटेरियल गया है डिपार्टमेंट में उसकी वैल्यू उसके हिसाब से भी आप बांट सकते हो ठीक उसके बाद आ जाता है फोर्टींथ में डिलीवरी कोस्ट डिलीवरी की कोस्ट को आप वैसे ही वेट या वॉल्यूम कितना वॉल्यूम आपने डिलीवर किया कितना वेट का माल था जो आपने डिलीवर किया है उसके बेसिस पे आप डाल सकते हो कोई मिसलेनियस एक्सपेंस है तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस को याद रखना डायरेक्ट वेजिस के बेसिस पे बांटोगे देन इंस्पेक्शन का अगर कोई एक्सपेंस है ये सारे ओवरहेड के नाम है जो हम कर रहे हैं इंस्पेक्शन का कोई एक्सपेंस है ठीक है तो ये जाएगा आपका इंस्पेक्शन करने में जितने आवर स्पेंट किए गए हैं जितने घंटे लगाए गए हैं मान लीजिए चार डिपार्टमेंट है ए बी सी डी इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर आया उसका टोटल फीस बनती है हजार रुपये ठीक है उसने ए में पाँच घंटे इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन करने में पांच घंटे लग गए बी डिपार्टमेंट में सिर्फ दो घंटे में इंस्पेक्शन हो गया सी डिपार्टमेंट में आधे घंटे में ही इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया और डी डिपार्टमेंट में उसको तीन घंटे लग गए तो जितने घंटे उसने जिस डिपार्टमेंट में स्पेंड किए उसके बेसिस पे उसका खर्चा उस डिपार्टमेंट पे अपोर्शन हो जाएगा तो ये तो हो गया आपका प्राइमरी अपोर्शन ये प्राइमरी अपोर्शन इसलिए है क्योंकि हमने सभी डिपार्टमेंट में अपोर्शनमेंट की है प्रोडक्शन में और सर्विसेज में सेकेंडरी जो आएगा आपका वो आएगा सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा जब आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे दोबारा से अपोर्शन करते हो तो अभी हमने सिर्फ प्राइमरी अपोर्शन देखा है अब हम इससे इस रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे एक आपका इलास्टेशन है इलास्टेशन नंबर वन ये देखते हैं हम जो प्राइमरी अपोर्शनमेंट से रिलेटेड है सो इसको हम बांटेंगे कैसे इसके लिए हम बनाएंगे एक टेबल ठीक है उस टेबल में सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी आइटम आप बांट रहे हो उस आइटम का क्या नाम है फिर हम लिखेंगे बेस जिस बेसिस पे आप उस आइटम को बांट रहे हो फिर हम जो भी आइटम की अमाउंट है उसका टोटल लिखेंगे ठीक है और जो इस आइटम की जो ये जो खर्चा है इसको जितने डिपार्टमेंट में बांट रहे हो उन डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे ठीक है तो जिस इलस्ट्रेशन नंबर वन में आपके पास ए बी सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और डी आपका सर्विस डिपार्टमेंट है ठीक है सो हम यहां लिखेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी ए के हिस्से में कितना खर्चा जाएगा बी के हिस्से में कितना और सी के हिस्से में कितना और फिर है सर्विस डिपार्टमेंट जो कि है डी ठीक है अब देखो मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूं कैसे होएगा सबसे पहला खर्चा है रेंट देखो आपको ऊपर खर्चे दे रखे हैं नीचे आपको बेसिस दे रखे हैं आपको एरिया दे रखा है किस डिपार्टमेंट ने कितना एरिया आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग का कवर कर रखा है किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं टोटल वेजेस इस डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज को तो टोटल इतना वेज पे करता है वैल्यू ऑफ प्लांट इस डिपार्टमेंट में जो प्लांट लगा हुआ है उसकी वैल्यू इतनी है इस डिपार्टमेंट में जो स्टॉक है उसकी वैल्यू इतनी है ठीक है तो बेसिस हमें दे रखी है अब हमें देखना कि खर्चा हमें किस बेसिस पे बांटना है सबसे पहले बात आ जाती है रेंट की तो रेंट जो होता है वो या तो फ्लोर एरिया आपके बेसिस पे बढ़ता है या फिर कैपिटल वैल्यू पे और हमें फ्लोर एरिया ऑलरेडी दे रखा है तो हम फ्लोर एरिया के बेसिस पे बांट देंगे आराम से ठीक है तो फ्लोर के बेसिस पे बढ़ेगा रेंट का टोटल है पांच ठीक है अब इस पांच हजार को एरिया के रेशो में बांटना है ये देखो एरिया ये है इनका पंद्रह सो ग्यारह सो नौ सो और पांच तो इसका रेशो में बना सकती हूं पंद्रह ग्यारह नौ और पांच ठीक है इन सबका मैं टोटल कर दूंगी ये चालीस आ जाएगा ठीक है तो हम क्या करेंगे कैसे निकालते हैं पांच हजार में सबसे पहले पंद्रह बटे चालीस फिर पाँच हजार गुणा में ग्यारह बटे चालीस फिर पाँच हजार गुणा में नौ बटे चालीस तीसरे डिपार्टमेंट का और फिर पांच हजार गुणा में पांच बटे चालीस ये हो जाएगा चौथे डिपार्टमेंट का ठीक है तो इस हिसाब से ये अमाउंट निकलती जाएंगी और हर डिपार्टमेंट बढ़ जाएगा तो डिपार्टमेंट ए के हिस्से में आएगा अठारह सौ पिचत्तर डिपार्टमेंट बी के हिस्से में आएगा तेरह सौ पिचहत्तर डिपार्टमेंट सी के हिस्से में आएगा ग्यारह सौ पच्चीस और डिपार्टमेंट डी के हिस्से में आएगा छह सौ पच्चीस यानी जो टोटल ओवरहेड आपके पाँच हजार रुपये थे ये आपने किसी एक डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं थे तो आप डायरेक्टली वहां एलोकेट नहीं कर सकते सभी डिपार्टमेंट्स का खर्चा है तो आपने सभी डिपार्टमेंट में किसी बेसिस पे जो बेसिस यहां था फ्लोर एरिया उसके बेसिस पे आपने उस खर्चे को सभी डिपार्टमेंट्स ने बांट दिया तो इस, इस खर्चे में से इतना इस डिपार्टमेंट के हिस्से में था इतना इस डिपार्टमेंट के अब होगा क्या कि ए डिपार्टमेंट में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये ओवरहेड वो प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर लेंगे यानी ये ये ओवरहेड की कॉस्ट उनमें उन उनकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी तो अगर मैं ये नहीं बांटती तो ये जो मेरा रेंट है पूरा पांच हजार अगर मैं सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट पे डाल देती तो एक ए डिपार्टमेंट में जितने प्रोडक्ट बन रहे ना उनकी कॉस्ट में पांच हजार रुपये की ये बढ़ोतरी हो जाती है जबकि ये पांच हजार ए डिपार्टमेंट से संबंधित थे भी नहीं सारे के सारे इनसे संबंधित सिर्फ अठारह सौ पिचहत्तर थे ठीक है ऐसे ही आप सारे एक्सपेंसेस को बांट लोगे तो मैं आपको सिर्फ एक्सपेंसेस का बेस बता देती हूँ कैसे आप पोर्शन करना है ये आपको यहां पे पता चल गया होगा इसके बाद आती है रिपेयर ठीक है अब देखो रिपेयर आप करते हो प्लांट की ठीक है तो एरिया के बेसिस पे रिपेयर नहीं करते आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस नंबर ऑफ की रिपेयर तो करते ही नहीं हो आप वेजेस का भी रिपेयर से कोई संबंध नहीं है स्टॉक की भी रिपेयर नहीं करते आप रिपेयर करते हो प्लांट की तो रिपेयर जो खर्चा बटेगा वो वो बटेगा वैल्यू ऑफ प्लांट तो आप ये देख लो कि जो खर्चा है वो किस चीज से संबंधित है उसी के बेसिस पे बांटना है फिर आ जाते हैं डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगी प्लांट के ऊपर लगेगी स्टॉक पे डेप्रिसिएशन नहीं लगती वेजेस पे नहीं लगती एम्प्लॉय पे नहीं लगती एरिया पे डेप्रिसिएशन नहीं लगती प्लांट पे लगती है तो इसलिए डेप्रिसिएशन भी बटेगी वैल्यू ऑफ प्लांट के बेसिस पे ठीक है उसके बाद हम आ जाते हैं लाइट लाइट का खर्चा लाइट का खर्चा किस बेसिस पे बढ़ सकता है लाइट का खर्चा बटेगा अभी एरिया के बेसिस पे ठीक है ये कितने एरिया में कितनी लाइट के पॉइंट दे रखे हैं तो उस हिसाब से खर्चा आपका एरिया के बेसिस पे बटेगा उसके बाद है पावर पावर का खर्चा जो होता है आपका यहाँ पे क्योंकि हमारे पास आ, वो नहीं दे रखा टेक्निकल जो आपकी थी मीटर रीडिंग वगैरह हम इस आ, पावर को जो बांटेंगे वो बांटेंगे वैल्यू ऑफ प्लांट क्योंकि फैक्ट्री के अंदर आपका प्लांट पावर यूज करता है पावर का मतलब यहाँ पे बिजली के बिल या लाइटिंग से नहीं है क्योंकि लाइट वो लाइटिंग वाला खर्चा ये है लाइट पावर का मतलब होता है जो आपकी मशीनें चलाने के लिए जो पावर यूज होती है हम पावर उस पावर की बात कर रहे हैं मशीन क्या चलता है आपका प्लांट चलता है ठीक है तो इसीलिए हम इस पावर को बांटेंगे वैल्यू ऑफ प्लांट के बेसिस पे याद रखना पावर का मतलब बिजली नहीं है जो लाइट बल्ब वगैरह चलते हैं लाइटिंग ये नहीं है वो लाइट अलग है और पावर अलग है पावर जिससे आपकी मशीनें चलती हैं ठीक है तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ प्लांट के बेसिस पे सुपरविजन का खर्चा किसको सुपरवाइज करते हो आप एम्प्लॉइज को सुपरवाइज करते हो ठीक है एंप्लॉयज को सुपरवाइज करते हैं तो सुपरवाइज का खर्चा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे बटेगा सुपरविजन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ठीक है उसके बाद आता है एम्प्लॉय की लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस एम्प्लॉयिज लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस किसकी सॉरी एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी इंश्योरेंस की किसके इंश्योरेंस की एम्प्लॉयज के इंश्योरेंस की ठीक है एम्प्लॉयर का वर्ड नाम आया तो यह एम्प्लॉयज से रिलेटेड है तो एम्प्लॉयज तो का इंश्योरेंस uh, कितना होगा जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे तो एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस जो है आपका ये बटेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे फिर आपका फायर इंश्योरेंस और स्टोक का फायर इंश्योरेंस स्टॉक का फायर इंश्योरेंस किस बेसिस पे बांटोगे वैल्यू ऑफ स्टॉक ये बटेगा वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लांट का इंश्योरेंस होता तो वैल्यू ऑफ प्लांट के बेसिस पे बिल्डिंग का इंश्योरेंस होता तो बिल्डिंग के वैल्यू के बेसिस पे स्टॉक का फायर इंश्योरेंस है तो स्टॉक की वैल्यू के बेसिस पे ठीक है तो इस तरीके से आपके जितने भी ये टोटल खर्चे हैं ये चारों डिपार्टमेंट्स में बढ़ जाएंगे इसको हम कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, uh, ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम uh, जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा उसके बारे में पढ़ेंगे सो so, अभी इसी लेक्चर में uh, इतना ही करते हैं